अक्सर आपने नीले रंग का मोर देखा होगा, लेकिन अगर आप सफेद रंग का मोर देखना चाहते हैं या फिर देखना पसंद करते हैं, तो फिर अब आपको ये सब बिहार में ही देखने को मिलेगा। दरअसल चिड़ियाघर के गेट संख्या 2 से प्रवेश करते हुए कुछ कदम की दूरी पर आपको बाएं साइड में सफेद रंग का मोर देखने को मिल जाएगा। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। पटना स्थित चिड़ियाघर में सफेद मोर मौजूद है, जिसे लोग खूब पसंद भी करते हैं और तस्वीरें भी अपने कैमरे में कैद करते हैं। सफेद मोर मूल रूप से दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। मोर के साथ ही आपको हुलो गिबन की आवाजों से राजधानी का संजय गांधी जैविक उद्यान गूंजने वाला है। इसके लिए केज का निर्माण भी कार्य चल रहा है। इसके साथ ही पटना जू में अकेली आ रही बबली जेब्रा को विकी और वर्णिका के साथ मिल गया। जेब्रा के स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए तैयार किए गए क्रॉल का उद्घाटन वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव ने किया था। इसके साथ ही उन्होंने पटना जू में आने वाले नए मेहमान हुलो गिबन के केज का शिलान्यास पूरे विधि विधान के साथ किया। बता दें कि सफेद मोर एक बेहद आकर्षक पक्षी है, जो कि वहां आने जाने वाले लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित करता है। अगर सफेद मोर की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 215 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर होती है। वहीं मादा मोर की लंबाई 95 सेंटीमीटर होती है और मोर के पंखों की संख्या लगभग 150 होती है। पटना जू में पहली बार जेब्रा के लिए क्रॉल भी तैयार किया गया है। जेब्रा की स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर मादा जेब्रा की प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें क्रॉल में ही रखा जाता है। फिलहाल पटना जू में 3 जेब्रा है। इसके पहले बबली पटना जू में है अकेली ही आ रही थी। मैसूर जू से नर जेब्रा विकी और मादा जेब्रा वर्णिका के आने के बाद पटना जू के जेब्रा को साथ ही मिल गया है। हालांकि अभी मैसूर जू से लाए गए जेब्रा, वाइल्ड डॉग, गौर और ब्लैक स्वान को क्वारंटीन में रखा गया है। इन जानवरों को 10 फरवरी को मैसूर जू में लाया गया था। मुख्य तौर पर मोर नीले रंग में देखने को मिलता है, लेकिन इसके अलावा मोर सफेद, हरे और जामुनी रंग का भी होता है। मोर की उम्र 25 से 30 वर्ष होती है। ऐसे में आपको बता दें कि पटना जू में सफेद मोर की संख्या 3 है। इसे बेंगलुरु जू से लाया गया था। नीले रंग के मोर की संख्या 16 है। इसका प्रजनन काफी अच्छे से पटना जू में हो रहा है। भारत और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में सफेद मोर पाए जाते हैं, लेकिन अब सिर्फ चिड़ियाघरों में ही सफेद मोर को देखा जा सकता है। मोर को 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। इसका वजन 2.7 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम तक होता है। मोर हमेशा समूह में रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। 2 से 3 वर्ष में प्रजनन के लिए योग्य हो जाते हैं। इनके प्रजनन का काल जनवरी से सितंबर तक है। मोर एक बार में सामान्य तौर पर 4 से 6 अंडे देते हैं। दूसरी पक्षियों की तरह अंडे देने के लिए मोरनी घोंसला नहीं बनाती है। ये जमीन पर ही किसी सुरक्षित स्थान को तलाश कर वहाँ अंडे देती है। पटना जू में मोर को पालक, लहसुन, जवार, बाजरा इत्यादि चीजें खाने में दी जाती है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें, हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।